सो हेलो एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोज हु आर न्यू ऑन माई चैनल, हाई माई नेम इज़ आकांक्षा। सो आज की वीडियो, जैसे कि आप लोग टाइटल पढ़ ही चुके हो, चिट मेकअप चैलेंज पे होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। तो चलो वीडियो स्टार्ट। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे चिट्स बनाई है। तो ये रही मेरी चिट्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितनी सारी चिट्स बनाई है। सारे स्टेप से फाउंडेशन, ब्लशर, आईब्रोज सब कुछ है इसमें। तो मैं एक एक करके पिक करूँगी और जो भी पहले आएगा वो स्टेप मुझे पहले करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे जाने वाली है वीडियो और लुक कैसा क्रिएट होगा, अच्छा होगा या पूरा लुक बेकार हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट लेती हूँ और इसको अच्छे से वो मिक्स कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं चिटिंग कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से मैं आपके सामने मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इनमें से कोई एक पिक करूँगी। सो ये एक जो मैंने पिक की है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। फाउंडेशन, फर्स्ट स्टेप मेरा है फाउंडेशन। सो आप लोग देखो, तो चलो फाउंडेशन, यार फाउंडेशन पे आ गया, प्राइमर आना चाहिए था ना। तो ये जो फाउंडेशन की चिट है, ये फाउंडेशन की जो चिट है, इसको मैं निकाल देती हूँ, इसको मैं अलग कर रही हूँ। तो चलो पहले, सबसे पहले फाउंडेशन लगा लेते हैं। फर्स्ट स्टेप तो चलो ठीक ही आया, बट प्राइमर यार मैं कैसे लगाऊंगी, फाउंडेशन के बाद सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, मुझे तो इसी चीज़ की टेंशन हो रही है। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस, मेरा फाउंडेशन अप्लाई हो चुका है, मैंने उसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से। सेकंड चिट अब देखते हैं क्या आती है। आई होप कुछ अच्छा ही आए। तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब हमारी बारी है नेक्स्ट स्टेप करने की। तो इसमें से हम पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और ये मैंने पिक कर लिया है। तो अब इस चिट में देखते हैं आई लैशेज। यार ये क्या है, ये क्या स्टेप आ रहे हैं, इसको मैं साइड कर देती हूँ। तो आई लैशेज, अब जैसे कि चिट निकली आई लैशेज की, तो हमें आई लैशेज अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं आई लैशेज अप्लाई कर रही हूँ, मैं रेड चेरी के आई लैशेज अप्लाई कर रही हूँ। गाइस जो सोचा था उससे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। लगा लेती हूँ लैशेज पर, उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगी अपनी आईज पर। तो इसको थोड़ी देर रुक रखते हैं, उसके बाद इसको लगाऊंगी। आई लैशेज लगा चुके हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। आईज बंद करनी थी, इनमें से ये मैंने पिक कर लिया। ये मेरी चिट आई है लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन में से मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गई, तो मैं अब बता देती हूँ कि लाइफ लाइन मैंने इसमें एक चिट ऐड ऑन करी थी, कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी, मतलब जब मेरी लाइफ लाइन वाली चिट जो आएगी, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हूँ। तो अब मेरी लाइफ लाइन की चिट आ गई है, तो मैं को क्या यूज़ करना है, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना प्राइमर यूज़ कर लेती हूँ, अभी यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा,
तो बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर बाद में लगाऊंगी तो वो सारे प्रोडक्ट ना हटने लग जाएंगे प्राइमर की वजह से, तो मैं प्राइमर अभी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं लाइफ लाइन वाली जो चिट है उसको साइड रखती हूँ और मैं अपना हुड्डा ब्यूटी का प्राइमर थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेती हूँ। प्रोडक्ट हट रहा है, ये देख सकते हो आप, यहाँ से फाउंडेशन ना हल्की सी लेयर हट गई है, बट कोई नहीं, अब हमें अप्लाई तो करना है, तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ हल्का हल्का। सो गाइज, प्राइमर भी मैं अप्लाई कर चुकी हूँ अपनी लाइफ लाइन वाली चिट से। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ, कहीं आप लोगों को लगे मैं चिटिंग कर रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाली मैंने पिक की है, क्या है, मस्कारा। तो मस्कारा लगा लेते हैं, इसको हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करती हूँ। तो हम 4 स्टेप्स आगे आ चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या आता है। सेम ये वाली लेती हूँ मैं। सो किस्मत खराब है आज। सेटिंग स्प्रे देख सकते हो आप लोग, सेटिंग स्प्रे आया है अब मेरा, तो सेटिंग स्प्रे कर, मैं सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ अभी विदाउट एनी मेकअप। अब मैं अपने फेस पे सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ, पता नहीं ये क्या ही सेट करेगा। तो प्रोडक्ट को सूखने देते फिर हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, अब उसमें देखते हैं क्या आएगा। तो सेटिंग स्प्रे अब हमारा सेट हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप वाली मैंने उठाई है। ब्लशर, तो अब हम ब्लश कर लेते हैं अपने फेस को। मैंने हल्का हल्का ब्लश कर लिया है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, देखते हैं क्या आता है। ब्लशर कर लिया है हमने, अब हम 5 स्टेप्स आगे आ चुके हैं। मिक्स करती हूँ, ये पिक करा मैंने, काजल और लाइनर, मतलब जो भी इसमें से यूज़ करते हो वो लगा सकते हो। तो इसको भी साइड रखती हूँ, तो मैं अप्लाई करूंगी काजल तो नहीं, बट मैं लाइनर अप्लाई करूंगी। लाइनर अप्लाई कर चुकी हूँ, अब आई शेडो आएगा तो भाई क्या ही होगा, क्योंकि आईज तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे। फिर से सेम प्रोसेस, मिक्स करूँगी इसको, और ये वाली मैंने पिक की है, आईब्रोज, नाइस आईब्रोज आई है, तो मैं आईब्रोज के लिए मैं ब्राउन जेल लाइनर यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे वो नेचुरल लगती है। ब्लैक वाला यूज़ करते तो वो अननेचुरल सी लगती है और आर्टिफिशियल लगती है, इसलिए मैं ब्राउन जेल लाइनर यूज़ करूँगी आईब्रोज के लिए।
आईब्रोज भी कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या आता है। कुछ ही चिट्स बची हैं, देखते हैं। ये वाली पिक की है मैंने, आप देखो पहले। लिपस्टिक मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, लिपस्टिक। तो लिपस्टिक मैं यूज़ करूँगी, नेचुरल शेड यूज़ करूँगी, पिंक, वेरी नेचुरल शेड। लिपस्टिक यूज कर ली है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो कॉन्टोर आया है, कॉन्टोर करना है अब हमें, तो इसको मैं साइड कॉन्टोर ब्रश यूज करूँगी और ये वाला शेड यूज करूँगी, इससे मैं लाइट कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर में कर चुकी हूँ, बिल्कुल लाइट नेचुरल से। मेकअप सेटिंग पाउडर, सो मेकअप सेटिंग पाउडर के लिए आई एम यूजिंग मैक मेकअप सेटिंग पाउडर। सो ये वाला स्टेप भी हो गया है हमारा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब थोड़ा मेकअप सही लग रहा है, वरना थोड़ा ना मेरी आईज पे क्रीज आ रही थी, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी। तो अब सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। 1 2 3 4 4 चिट्स बची हैं, देखते हैं क्या है इसमें। मिक्स करती हूँ, ये मैंने पिक की है। कंसीलर तो भूल गई थी, पाउडर से पहले आना चाहिए था यार कंसीलर। अब तो आ ही चुका है तो क्या कर सकते हैं, तो कंसील कर लेती हूँ मैं। थोड़ा सा ही करती हूँ आईज के पास, ज़्यादा नहीं करूँगी वरना फिर वो पैची पैची लगेगा। यहाँ पे कर लेती हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा नोज पे। गाइज मैं एक बार क्या इसे पाउडर से सेट कर सकती हूँ? नहीं, कोई नहीं, फिर ऐसे काम चलाते, फिर इसको अच्छे से ब्लेंड करती ताकि क्रीज ना आए अंडर आईज में। देखो अच्छे से ब्लेंड हो गया है।
अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा 1, 2, 3, तो 3 किट्स बची हैं, देखते हैं। 2 है, फिर से करती हूँ इसको अलग करके। यूजिंग दिस वन आई शेडो आई है, आई शेडो की चिट आई है, आई शेडो नहीं आया, आई शेडो की चिट आई है। आई शेडो लगाते हैं अपनी आईज पे, तो मैं कौन सा कलर यूज करूँ? पीच कलर यूज करती हूँ मैं, कलर यूज करती हूँ लाइट बिल्कुल। यहाँ पे हल्का सा बेबी पिंक ग्लिटर यूज कर लेती हूँ मैं। हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा। सो आई शेडो भी हो गया है, अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट। इसमें बस 2 है, देखते हैं क्या निकलता है। फाइनली अभी तक तो सब कुछ अच्छा जा रहा है, मतलब देखने में भी सही लग रहा है फेस, मतलब इतना कुछ और नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है स्टेप वाइज ही हुए हैं। तो अब इन 2 को भी पिक करके देखते हैं कि क्या होता है। ये मैं चूज कर रही हूँ और हाईलाइट। हाइलाइट्स भी हो गया है और हमारा फेस थोड़ा अच्छा अच्छा लगने लग गया है, शाइन करने लग गया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या यार, एक ही चाहिए बस, तो हम इसको भी पिक कर लेते हैं। तो हमारा बाउल खाली हो चुका है, आई थिंक इसमें होगा, क्या हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है, सब तो हो गया है। आई थिंक इसमें प्राइमर होगा, क्योंकि प्राइमर हमने लाइफ लाइन के थ्रू यूज़ कर लिया था और उसकी अभी तक चिट आई भी नहीं है, तो आई थिंक इसमें प्राइमर होगा। प्राइमर, सो इसमें प्राइमर। चैलेंज कंप्लीट हो चुका है और हमारा ओवरऑल लुक अच्छा आया है। विदाउट स्टेप्स को फॉलो करें, मतलब जो एक मेकअप के स्टेप्स होते हैं उसको विदाउट फॉलो करें। मेकअप है ओवरऑल बहुत अच्छा आया है, मुझे सामने से भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग कैमरे में भी देख सकते हो कि इट वॉज नाइस, मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कमी निकाल सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। तो मैं आपको कुछ लुक्स दिखाती हूँ। सो गाइस, ये मेरा फाइनल लुक है, आप लोग देख सकते हो, कोई पैच नहीं है, कुछ नहीं है, आई मेकअप बिल्कुल परफेक्ट है, लिप्स, फेस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।